वेरी नॉर्मली जैसे आपके बहुत प्लान बनाते हो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान बनाते हो जिससे कभी कभी हम भी नॉए हो जाते हैं कि भाई अभी जब बने हुए हैं उनको तो हम पूरा कर लें mm. तो उसी तरह आपकी बेटी हूँ तो ऑबसली आई ऑल्सो मेक प्लान बट देन अराउंड मी देयर पीपल माई फ्रेंड्स और एनी बडी अराउंड इन माई सर्कल देर बी लाइक यू नो हम इतनी मुश्किल से ये हफ्ता गुजार रहे हैं इतनी तो मुश्किल से हम कह रहे हैं कि आज का दिन किसी तरह गुजर जाए तुम लोग कैसे इतनी दूर दूर की प्लानिंग कर लेते हो तो वही थाट के यू नो एक तो we know कि how important it is to have a long term planning in your life. Hmm. so we thought कि you know we'll talk about this or uh, let's start. why do you think it's so important to have a long term planning? अच्छा मैं पहले नंबर पे मैं बताऊँ कि and did you always have a long term planning? बहुत मैं मुझे अच्छी तरह याद है मैं बस्ता पहन के स्कूल जाता होता था bag जो स्कूल होता है उसको बस्ता कहते पता है हाँ, हाँ, पता है <laughs> तो मैं उस वक्त भी चलते हुए ना स्कूल जाते पैदल जाता होता था स्कूल मेरा घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं उस वक्त भी प्लानिंग करता होता था कि और उस वक्त बच्चों की प्लानिंग करता होता था <laughs> यानी मैं खुद अभी बच्चा था हाँ। तो मैं तकरीबन सातवी में, आठवीं में पढ़ता होता था तो पहले नंबर पे मैं एक ये बात बताऊं कि हम एज ए मुसलमान पता नहीं क्यों प्लानिंग से घबराते हैं और हम ये कहते हैं कि यार अल्लाह ने हमारे लिए कुछ सोचा ही होगा हम क्यों प्लानिंग करें आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कल को कुछ हो जाता है हम एक इंसान कीड़े मकोड़े से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है मसलन कीड़े कीड़ेम कोड़े से मरा कि उसकी क्या हैसियत है क्या प्लानिंग कर सकता है वो उसकी क्या बज़... जरूरत है कि वो प्लानिंग कर सके लेकिन इसके बावजूद हमें एक अल्लाह ने एक पीरियड टाइम दिया हुआ है जिसको हमें पता नहीं है कि हमारा एंड क्या है अगले लम्हे पे हमें कोई बीमारी आके घेर रही है या अगले लम्हे हमें कोई खुशी इस तरह घुमा देगी कि हमें कोई चीज़ याद नहीं रहेगी या कोई गम एक ऐसा हमें पंच मारेगा तो हमें सब कुछ भूल जाएगा वो एक अलता है वो एक साथ वो एक अन नॉन हमारे पास अलामिया ने हमारे लिए चीज़ें रखी हुई हैं जिसका हमने सामना करना है लेकिन इसके बावजूद हमें प्लानिंग करनी है वो ये प्लानिंग नबी अलैहि वसल्लम से शुरू हुई जब उन्होंने तरबियत का एक आगाज़ शुरू किया वो ने उस्मानिया जो है वो 600 साल तक हुकूमत करती रही पूरे वो उसी का ही आगे नतीजा था इसी की प्लानिंग थी इसी तरह एक जब किसान बीज बोता है उसकी छः महीने की प्लानिंग होती है कि ये फल देगा तो ये करेगा वो करेगा प्लानिंग हर बंदा इंसान कर रहा था लेकिन जब उसको स्पेसिफिकली हम जब प्लानिंग का कहते हैं ना तो कहते हैं नहीं प्लानिंग क्या करनी है अल्लाह वो उस वक्त हम अपने आप को ना हम मुख्तलि लेबल लगा के अपने आप को छिपा देते हैं हम कहते हैं बस ये अल्लाह ने कुछ ना कुछ किया होगा हमारे लिए मैंने कई बच्चों से मैं बात करूँ मैं बच्चों से शौक़ है मुझे बात करने का मैं उनसे पूछता हूँ कि स्पेशली टीन एज क्या प्लानिंग है तुम्हारे फ्यूचर के वो कहता है मैंने क्या करना है मैंने अल्लाह में कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचा होगा तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप कुछ ना कुछ सोचो तो सही है अपने बारे में तकरीबन सोलह सोलह सत्रह साल की उम्र में सोचता था प्लानिंग करता था कि मैंने बच्चों की इस तरह तरबियत करनी है मैंने क्या कहते हैं काम इस तरह का क्रिएटिव करना है जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था तो मेरी प्लानिंग थी और मैं तुम्हें बताऊं जो बड़े दिमाग होते हैं बड़े ताकतवर लोग होते हैं जो बड़ी कौमें होती हैं वो लंबी प्लानिंग थी अच्छा प्लै, प्लानिंग से पता चल जाता है कि आप छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो जो छोटा इंसान होता है वो आज की शाम की प्लानिंग करेगा कि शाम को मैंने ये करना है कल मैंने ये करना है परसों ये करना है तरसों ये करना वो जो बड़ा इंसान होगा वो बड़ी प्लानिंग करेगा अब जिस तरह हम, हम मैं नहीं कहता लोग कहते हैं कि जी क्या कहते हैं आ, अमेरिका ने सब पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया हुआ है ये ये वो सब लोगों की मुख्त बातें उनकी सौ 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 साल पुराने प्लानिंग है डेढ़ दो दो साल की प्लानिंग है बीबीसी उर्दू जो है वो मेरे परदादा सुनते होते थे Hmm. वो मुझे बताते हुए बी बी सी उर्दू में ये आया है यानी उन्होंने उस वक्त उस चीज़ को समझा के एक मीडिया होना चाहिए बी सी उर्दू का जो मेरे परदादा जो है अपने रेडियो में उर्दू वॉइस ऑफ अमरीका और वही सुनते होते थे अमरीका और यू आ, ब्रिटिश ने उस वो सोचा कि हमें इनकी ज़ुबान में बात करनी चाहिए उससे क्या होगा कि हम इनको अपना मैसेज अपनी जुबान hmm. में दे सकें कोई भी हम इनकी बात नहीं हम अपनी बात इनको बता सकेंगे यानी कितनी बड़ी प्लानिंग है कितने तो कितने दूर की है? है? दूर की प्लानिंग है का नहीं, ये मेरे परदादा हैं तकरीबन साठ सत्तर साल पहले उन्होंने बीबीसी उर्दू मतलब अभी हमारे अभी भी शुरू अभी कुछ अरसे पहले पश्तो टी वी चैनल शुरू हुए हैं या सराकी टी वी चैनल शुरू हुए हैं वो उस वक्त उन्होंने उर्दू चैनल वो, वो भी अंग्रेज उधर बैठ के उन्होंने शुरू कर दिया कि प्लानिंग ही है ना mm. इसी तरह मैं मैं अपनी ज़िंदगी की मैंने 2009 में एक पूरी लिस्ट बनाई तुम लोगों mm. के साथ शेयर की कि ये ये मैंने कंपनीज खोलनी है mm. मैंने ये वाला काम करना है मैंने चैरिटी का भी काम करना है मैंने फैशन का ब्रांड भी करना है तो मैंने ये सपोज अगर मैं वो कामयाब नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ेगा mm. मैं कोई अकेले कुल तो थो थोड़ी हूँ मैं कोई इंसान ही हूँ इंसान से से लागर और इंसान से बेबस चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती अगर मैं फेल हो गया हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है mm. अगर मैं प्लानिंग अगर मैंने कुछ चीज़ की है अगर नहीं हो नहीं हुई तो खैर है कोई बात नहीं आप कम से कम प्लानिंग करो आप अपना mm. आप अपना केस जो है अल्लाह के आगे दर्ज कर दो कि भाई ये मेरी प्लानिंग है ये मैं चाहता हूँ अगले पाँच अगले एक साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ अगले दो साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ अगले तीन साल में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ अगले पाँच साल तक यहाँ पहुँचना चाहता हूँ आई थिंक प्लानिंग करना और अगले भी दस साल अगले बीस साल तीस साल तक आपको अल्लाह पे एक बिलीफ बहुत ज्यादा है आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है अल्लाह को लेके कि यू नो ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो ये होगा ये एक और चीज है मैं मैं मतलब कई लोग ना प्लानिंग करने को गुनाह समझते हैं क्या कि आप की किस तरह से सोच सकते हो कि ये प्लानिंग आपने की और वो हो जाएगी नहीं आप आप आ, मैं इवन पंद्रह बीस पच्चीस साल की सोच अब मैंने ये शुरू की है पीएचडी शुरू की है अगले तीन चार साल तक मैं ये कंप्लीट करूँगा लेकिन मैं शुरू कर दी अगर मैं फेल भी हो गया सपोज़ मैं नहीं कर पाया मुझे क्या डर है लोगों से कि मैंने कंप्लीट नहीं कर सका या मैं अचीव नहीं कर सका मैंने एक प्लानिंग की फेल हो गया खैर इंसान हूँ ना मैं कौन को सा कोई बहुत बड़ा कोई जादूगर हूँ मैं फेल हो गया इसी तरह आप प्लानिंग करते रहो आप छोटे छोटे टारगेट बनाते रहो आप छोटे छोटे चीजों को अचीव करते रहो और अगर नाकाम हो जाओ तो खैर है कोई पर एक और भी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि अपने प्लान किसी को बताया मत करो वो आप बेशक ना बताओ हाँ। मैं इस पर इस चीज़ पे बहस पे नहीं आता हर एक पर्सनालिटी है पर जो आपकी रीजन है ना बताने आई रियली लाइक दैट लेकिन मैं अपने रीजन बता के हाँ। ना मैं तुम्हें अपने प्लान बता के मैं अब तुम्हें गवाह बना लेता हूं हां और फिर मैं मैं अपने लिए अगर किसी वक्त चुप हो भी जाऊं ना खैर कोई बात लेकिन मुझे होगा कि मैंने मरियम को बताया हुआ है कि मरियम देखो मैं ये करने लगा हूं अब जैसा मैंने पीएचडी स्टार्ट की है तो मैंने सबको बता दिया है कम से कम मुझे जब जो देखने वाले हैं वो दो तीन साल बाद वो कह सर तू पी एच डी शुरू की थी से कि बने उदम कई लोग इस वजह से बचते हैं हाँ। है कि नजर ये क्योंकि मुझे फेल होने से डर नहीं है जब मुझे फेल होने से डर नहीं है मैं फेल हो गया हाँ जी मुझे, मुझे कोई पूछता है दो तीन साल बाद और मैंने वाकई स्टडी बीच में छोड़ दी हुई है मैं कहूँगा यार मैंने छोड़ दी हो सकता है उसकी ईगो को बहुत ठंडक मिल जाए लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है कितने लोग होंगे जिन्होंने इस एज में आके इस तरह की शुरू की होगी प्लानिंग मैंने की है मैंने अगर फेल भी हो गया तो खैर है कोई मसला नहीं आप कम से कम प्लानिंग करो अब मैं जब अपने ससुराल में जाता होता था तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ जिस तरह पेश आता था मैं सोचता था कि आज मैं इनके साथ अच्छा होगा तो कल मुझे कुछ शायद अच्छा दिमाग मिल जाए आज मैं क्या कहते हैं अपने ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया ये भी तो प्लानिंग है ना आप आज अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो आपके साथ आपके बच्चे आपके अच्छा सलूक करेंगे ये प्लानिंग नहीं है अल्लाह ने खुद रास्ता बताया हुआ लेकिन आप जब प्लानिंग नहीं कर रहे आप रोजाना रोजाना की बुनियाद पर जिंदगी गुजार रहे हो तो आप छोटे जहन हो छोटे इंसान एक दिहाड़ी वाला बंदा है वो सिर्फ सुबह कहता है कि मैं कल बारिश हो जानी है तो मैं सिर्फ आज का वो कर लूँ तो आपने बस से बात कर सुनी कि मैंने कई गरीब घर देखे वो अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं उनकी क्या प्लानिंग है कि बच्चे पढ़ जाएं जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो ये हमें सारी गरीबियाँ निकाल दें खत्म कर दें वो भी एक प्लानिंग है आप कुछ कुछ ना कुछ प्लान बना के रखो अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने कैरियर के लिए क्योंकि कई लोग होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के नाम जिंदगी कर जाते हैं अपने लिए कुछ नहीं उन्हें सोचा होता मैंने तुम लोगों के लिए तो कुछ करना करना या किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपना भी साथ साथ रखता हूँ मैंने अपनी भी ग्रोथ अपना भी जो ब्रांड है अपने भी जो मामलात हैं उनको भी मैंने शाइन करते रहना दो हज़ार नौ में मैंने एक्सेल शीट बनाई और मैंने उसमें लिखा कि मेरी हर साल कब से कब तक बनाई आई थिंक तक की नाइन से और और साल 2023 तक बनाई थी मैंने बताया था कि इतनी मेरी इनकम चाहिए ये हाँ। ये ये मेरे घर ये तुम हाँ। की तुम हाँ। की शादी इस साल में होनी चाहिए, की चीजें लोगों दो हजार अठारह में लिखी हाँ। तुम्हारी मैंने दो हजार तेईस को लिखी और उसके बाद मैंने सोचा हुआ था सच है अपने आप को जी मेल कर में ना, अपने आप को मेल कर दी और हर जनवरी फरवरी मार्च 2008, 9, 2010 जनवरी फरवरी मार्च ये करते करते 2023 तक की बनी हुई है मैं अभी भी किसी को मैं वो साइट तो नहीं दिखा सकता मैंने क्या क्या कहा था लेकिन मैंने जो इनकम मैंने 2023 को सोची हुई थी वो मैं 2019 को जुलाई में अचीव कर चुका हुआ वा था और जो मैंने ख्वाब अलहमद मैंने जो जो प्लानिंग की हुई थी वो उसी तरह आपसे मेरी गाड़ी भी आई मैंने अपना घर भी दुबई में लिया मैंने पाकिस्तान में भी किया और मैंने याशियाँ भी बड़ी की मैंने हाँ। फिजूल खर्चिया भी बड़ी की मैंने ये भी किया वो भी किया और साथ साथ प्लानिंग भी चल रही थी वो प्लानिंग करके आप एक कमिटमेंट कर लेते हो जो मैं कहता हूँ मंगनी कर लो अपने बेसिकली डरो मत प्लानिंग प्लानिंग से से अगर ये ना हुआ तो आप क्यों डरते हैं यहाँ तो आप अल्लाह लोग बहुत ज्यादा आप प्लानिंग से डरते हो कि यार आज मैंने ये प्लानिंग कर ली अगर ना होगी तो फिर क्या होगा कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा exactly. <laughs> कुछ भी नहीं होगा अभी मैंने दस बिजनेस लाइन अप कर लिए एकदम उसमें से तीन चार शुरू कर लिए दस मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लिए मैंने नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ जाए खैर क्या हो गया नहीं हुए इतनी चीजें जो नहीं होती हाँ? आप सोचते हो कैसा हो हो गया तो ये स्पोर्ट्स मैन स्परिट भी है कि अगर ठीक है अगर नहीं हुई क्या हो क्या फर्क पड़ता है अब तुम लोगों को पता है कि मैं इस वक्त क्या क्या प्लानिंग कर हाँ। रहा हूँ ये सब कुछ मैं ये भी बिजनेस ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब कुछ कर रहा हूँ इसमें से एक दो चीज रह भी गई सपोज दस चीजें शुरू की पंद्रह चीजें शुरू की हैं बीच में से पांच नहीं हुई तब भी कामयाबी है

कर ली एवरी ईयर की चीजें तो कब की लिखी बट हाँ, uh -huh. <laughs> <laughs> नहीं शादी, एक तो शादी गोल है uh -huh. भी बट उस तरह नहीं बोल सर्टन थिंग्स बाय द एंड ऑफ दिस इ होना चाहिए सम वेर जैसे आपने किया आई डों से क्या कुछ होगा अभी तक मैंने काफी टाइम से खोली नहीं है वो तुम्हें मैं बताऊं 2009 से लेकर 2009, 2009 को अगस्त में मैं मैं मैंने एक्सेल शीट बनाई थी और हर महीने की बनाई थी दो हाँ। 2023 के तक बनाई हाँ। थी जिसमें तुम्हारी शादी लास्ट मैंने रखी थी उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं शायद पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ होम टाउन शिफ्ट हो जाऊँ और मैंने मैंने तो तो नहीं मैं शिफ्ट हुआ आजकल तो पाकिस्तान से हर बंदा आ रहा है अब दुबई को यही मेरा घर है मैंने यहीं रहना है मैं भी ये चाहती हूँ कि लोग ना डरा करें ऐसे लॉन्ग टर्म क्योंकि मैं खुद बहुत इसमें बिलीव करती हूँ मैं करती भी बहुत ज्यादा हूँ कहीं किसी को लगता है कि कि क्या तो यू नो हवा में बातें करते रहना जिस तरह पिछले क्योंकि जब मैंने सोच लिया कि मैंने जॉब ही करनी है तो फिर जॉब के एक हाईएस्ट नोट पे जाना है ना मैंने ग्राफिक डिजाइनर था मैंने सोचा इसका हाईस्ट पॉइंट क्या है जी ये अच्छा ठीक है मैंने पहुंचना है किस हाथ तक पहुँचना ही था फिर एक प्लानिंग है काम के लिहाज से एक प्लानिंग है आपकी पैसे के लिहाज से एक प्लानिंग है आपके बच्चों के हवाले से एक प्लानिंग है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से तो ये आप करते रहो प्लानिंग hmm. और प्लानिंग करना बुरी बात मैं इस टॉपिक इस को इसलिए लेके आया हूँ कि कई लोग जो है ना इसको मज़हब के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी हाँ इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह की प्लानिंग कर सके hmm. ये बात गलत है इंसान ही की, की प्लानिंग है इस इंसान नहीं करनी है इंसान hmm. ने हमें एक पीरियड दे के उसका एंड का हमें पता नहीं है ना मुझे पता है ना किसी और को पता है बस हमें छोड़ दिया गया है अब हमने जितने एक टाइम फ्रेम में अपने आप परफॉर्म करके यहाँ से जाना है hmm. तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए रिगार्डलैस कि वो हम कार कर पाएंगे या hmm. नहीं कर पाएंगे आधा छोड़ जाएंगे या दूरा छोड़ जाएंगे या नहीं फेल हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपने एक जेन में प्लानिंग रखनी है कि मैंने ये 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 चीज़ें अचीव करनी है hmm. फेल हो जाए कोई मसला नहीं और बिलीव दो हज़ार नौ को मैंने जो प्लानिंग की थी जो जो जिस जिस तरह मैंने सोचा दो हजार 2015 को मैंने क्या सोचा था 2018 को फराज की शादी सोची थी 2023 को तुम्हारी सैलरी पैसों के हवाले से ये वो सब कुछ अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ दिया सब कुछ मैंने अचीव किया अब ये मैं बियड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में ये जो पी शुरू हुई है ये मेरी प्लानिंग में शामिल नहीं थी बाकी ये उस तो सब बोनस चल रहा है पापा अब अब जो मैं अब ये मैंने नेक्स्ट प्लानिंग बनाई है उसमें हाँ। जो बना ली हाँ वो भी बना ली हुई है फेल हो गया खैर हाँ। लेकिन उसमें कुछ आ, कुछ बिजनेस हैं आठ दस पंद्रह बिजनेस हैं प्लस कई मुल्कों में जाना है एज ए किसी और तरीके से एज ए विजिटर नहीं कुछ क्या कहते हैं घूमना फिरना भी है कुछ पढ़ना भी है कुछ तुम लोगों का आ, साथ देना है तो ये प्लानिंग है इन शह तुआ मैंने एक प्लान बना लिया अल्लाह मियाँ पूरा कर देगा तो अच्छी बात है ना किया तो और मैं तुम्हें तो पापता हूँ हाई पॉइंट हाई पॉइंट लाइस पॉइंट उसके बाद जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद होगा ना तो आप सेहतमंद जिंदगी गुजारोगे लेकिन अगर आप सिर्फ रूटीन में चली जा रहे हो पैदल चले आपको पता ही नहीं है आपने कहाँ जाना है इसी तरह अबूबी की तरफ आप निकल पड़े और पता ही नहीं कि आपने अबूदाबी भी रुकना है या नहीं रुकना आप थक जाओगे आपने बनाया हो कि अच्छा मैं अभी अब जाऊंगा जाऊँगा बीच में एक स्टॉप ये आएगा उसके बाद दो आएगा उसके बाद कतर आ जाएगा उसके बाद ये आ जाएगा आपके जहन में एक प्लानिंग है लेकिन अगर आप वैसे ही चलते जा रहे हो तो क्या वो थक जाओगे आप तो आप अपने प्लान बना बना के रखो छोटे छोटे तो ज़िंदगी में लाजमी आपको एक प्लान होने चाहिए छोटे भी बड़े भी लंबे भी तीस साल के भी और पूरी एक जिंदगी का भी एक प्लान होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है ये एक बिग प्लान है फिर छोटा प्लान एक साल का दो साल का तीन साल का पाँच साल का दस साल का तीस साल का इस तरह बना बना के आपने अपनी ज़िंदगी को करना है अगर कोई प्लान अगर एक साल में नहीं हुआ उसको दो साल में कर लिया लेकिन आपको प्लानिंग होनी चाहिए आपकी जेहन में कुछ ना कुछ आपके जेहन में चलता होना चाहिए कि मैंने ये 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 चीज़ें अचीव करनी और जब आप प्लानिंग बना के अल्लाह के आगे अर्जी पेश कर देते हो ना मेरा एक फार्मूला है कि जब मुझे कोई कहता है ना कि कैसा रहा है मेरे से दुआ करी तो मदीना शरीफ चलाएं तो उसकी दुआ उसी वक्त पूरी हो गई क्योंकि उसने मेरे सामने अर्जी डाल दी कि यह तुमने आगे बात करनी है तो इसी तरह जब आपने अर्जी डाल दी अल्लाह के आगे यार ये मेरी प्लानिंग है अल्लाह ये मेरी प्लानिंग है तो अल्हमद्ला आधा काम तो हो गया आधा बस आपको ने करना है यही हाई नोट है इसका मैं आई जस्ट टू टेल के आप लोगों सामने दो एग्जाम्पल्स हैं एक है पापा जिन्होंने 2009 से 2023 की प्लानिंग की थी माशाल्लाह काफी कुछ आपने अचीव किया है मैंने 95 परसेंट नाइन्टी परसेंट अचीव किया वो है तो ही ना ज्यादातर वो और आई थिंक जो नहीं भी किया वो वो मेरे reason, मेरा फ्रॉड हाँ, नहीं था हाँ फॉर गुड रीजन के लिए हुआ हाँ। होगा आई एम श्योर

होना वही है जो अल्लाह ने हाँ। तो इसी बात पे खत्म थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जरूर जरूर प्लानिंग करें और हर तरह की प्लानिंग जरूर करें खुदा, आफेस। खुदा आफेस। <laughs>